रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है ग्रुप डी की फीस रिफंड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसकी जो फीस रिफंड के लिए है वो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि कब से जो है इसके फीस रिफंड के फॉर्म भरे जाएंगे और आप किस प्रकार से भर सकते हो। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि आप 14/4/2023 से सुबह 10 बजे से और 30/4/2023 तक जो है फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट कर सकते हो। आपको जो है सही बैंक अकाउंट और IFSC कोड के साथ में जो अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना है। यहाँ पर इस नोटिस में बताया गया है कि आप जो है एक बैंक खाते में ओनली एक बार ही पैसा ले सकते हो, यानी कि एक कैंडिडेट का जो है एक अकाउंट में ही पैसा ले सकते हो। आप बार बार उस अकाउंट को लगा कर जो है पैसा रिफंड नहीं ले सकते, यानी कि पर कैंडिडेट या पर उम्मीदवार के जो है अपने स्वयं के बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो रिफंड किया जाएगा। तो अगर आप ई मित्र से भी किसी का फॉर्म भरते हो फीस रिफंड के लिए तो स्वयं जो कैंडिडेट का अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे अंतिम तिथि है वो 30/7/2023 है और इसके जो शुरुआत है वो आप 14 तारीख से जो है इसके फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। क्लिक हर टू अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल फॉर रिफंड। फिलहाल जो है यह लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया क्योंकि यह लिंक 14/4/2023 को अपडेट होगा। मैं अभी 13 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर अभी यह शो होगा। जब यह लिंक एक्टिव हो जाएगा तो इसका भी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप किस प्रकार से जो बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो और किस प्रकार से अपना जो अकाउंट है अपडेट कर सकते हो फीस रिफंड के लिए। तो अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, आपने एग्जाम दिया है, तो आपको जो फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। आपको जो है फीस वापस रिफंड मिल जाएगी। तो फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म का कंप्लीट प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।